नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस कंपनी के मतलब जो कंपनी के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा एडुकेशन पर्पज में होते हैं। किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल करना चाहते हैं तो एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक का हालत थोड़ा सा खराब है। क्यों खराब है, मैं आपको सबसे पहले एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है फॉल इन फाइनेंशियल क्वार्टर वन, और वो भी देखिए APS जो मतलब जो है वो एक्चुअली मिस एस्टिमेट, मतलब एस्टिमेट जो है वो मिस कर चुके हैं, और वो भी IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हो देखने को मिले। अगर मैं इस चीज़ों को आपको डिटेल्स में समझाऊँ तो आप क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर जाना होगा। आप देख सकते हैं सेल्स, ऑब्वियसली रेवेन्यूज जो है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में शानदार ग्रोथ हुआ, मान ही लेता हूँ। इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस भी ज़्यादा पेमेंट किया, और देखिए फाइनेंस से जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा नेगेटिव में गया। चलो उसको छोड़कर भी अगर नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया। अभी कम क्यों हुआ, चलो उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो अब डीपली अगर डेटा को देखा तो ध्यान से इस चीज़ों को देखना, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। मेन जो मुद्दा है वो आप देखेंगे वो है प्रोविज़न। अगर प्रोविज़न का डेटा देखा जाए तो पिछले साल में जो प्रोविज़न था वो 47,000 के आसपास था। अभी ये डेटा लाखों में है, चलो इसको मैं करोड़ों कन्वर्ट कर देता हूँ। पिछले साल में जो डेटा था वो करीबन 476 करोड़ के आसपास, और पिछले क्वार्टर्स में कितना था, 722 करोड़ के आसपास, और पिछले साल मतलब इस बार कितना बने, इस बार बने 994 करोड़ के आसपास। तो सोचिए पिछले सालों के तुलना से डबल प्रोविज़न हो गया। तो प्रोविज़न ज़्यादा बढ़ेंगे तो कंपनी के ऊपर तो प्रॉफिट ग्रोथ कम होगा, और कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज भी बनेगा, क्योंकि प्रोविज़न ज़्यादा बढ़ना कंपनी के लिए खतरा माना जाता है। तो उसके साथ साथ अगर नेट NPA एंड ग्रॉस NPA को देखूँ तो इस दोनों NPA के जो परसेंटेज है, जो पिछले सालों में जो परसेंटेज था नेट NPA का वो कितना था, 1. सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे टोटल इस रेंज को मैं मार्किंग करूँ तो पिछले साल में था 0.70 के आसपास, पिछले क्वार्टर में था 0.60 के आसपास, और इस बार वो बढ़ के हो सॉरी घट के हो चुके हैं 0.59 के आसपास। मतलब जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न तो थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, मगर कंपनी का जो NPA है, नेट NPA, NPA का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट के ऊपर मैंने बहुत बार चर्चा किया हो तो मैं एक ही बात से आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कंपनी जो मतलब बैंक जो दूसरों को लोन देते हैं वो पूरा लोन मार्केट से उठा नहीं पाते हैं, तो जो लोन डिफॉल्ट हो जाता है, जो लोन उठा नहीं पाते, तो उसी को NPA कहा जाता है। तो उस NPA के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक मतलब प्रेशराइज था, वो प्रेशराइज धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले, क्योंकि परसेंटेज वाइज बहुत कम है। तो इसी कारण के वजह से, प्रोविज़न बढ़ने के कारण के वजह से शेयर में एक बिग करेक्शन देखने को मिला रिजल्ट आने के बाद। अभी देखिए कंपनी इसके ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना वो फाइनली बहुत लंबा एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, एक बिग जैसे कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने, तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट किया, ऊपर जाने का कोशिश किए, और लगातार वो नीचे आने का कोशिश किया, तो फाइनली वही लेवल तक आया जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल था, और सपोर्ट लेवल के आसपास ही वो घूम रहा है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर से यू टर्न लेकर वो बाउंस बैक कर सकता है, तो इसके लिए टाइम लगेगा। और टारगेट भी मैं कोई छोटा मोटा लेकर नहीं चला हूँ, एक बड़ा टारगेट लेकर चला हूँ, करीबन 74% के आसपास। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस। फाइनली मुझे लग रहा है कि अभी इन्फोसिस के ऊपर टारगेट अचीव होने वाले हैं। जब मैंने एंट्री लिया था तब मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया था क्योंकि जो पैटर्न्स बना था उस पैटर्न्स को आपको दिखाना था। तो किस तरीके से पैटर्न्स बने वो सबसे पहले आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना था, पहले एक शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट भी किया और नीचे आए, और उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव कर रहा है। तो शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव करने का कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव करने का कोशिश किया मत सॉरी अचीव करने का कोशिश कर रहा है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है जो निकल कर है करीबन 1953 के आसपास, उसी लाइफ टाइम हाई के थोड़ा सा ऊपर, मतलब
1978 इस लेवल में टारगेट होने का चांसेस है। तो मैं जरूर इसका लाइफ टाइम हाई में ही एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस लेवल तक इंतजार करूंगा जिस लेवल से मुझे एंटी मिला। मेरा एंटी लेवल कुछ इस तरीके से लेवल्स में है, तो जहाँ पे एंटी मिला वहाँ से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 22% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और मुझे लगता है 150 से लेकर 160 डेज लगने का चांसेस है। इस डेज के अंदर अंदर ही टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो ऑलमोस्ट आप 8 मंथ बोल सकते हैं, 8 से 9 मंथ के अंदर अंदर ही टारगेट मिलने का चांसेस है, और वो भी 22%। और इतने लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर टारगेट 22% मिलना कोई आम बात नहीं है। तो इन्फोसिस के ऊपर बहुत बार एंटी मिला, पहले भी एंटी मिला था एकदम लोअर साइड से, तभी मैंने काम किया एज ए देखा जाए तो मूविंग एवरेज के, सॉरी RSI स्ट्रेटजीज के बेसिस में, तब भी एंटी बना था, तब भी टारगेट हुआ। अभी फिर से एक बार पैटर्न्स बने तो उसका भी टारगेट अचीव होने का चांसेस है। तो कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी एक बिग अनाउंसमेंट किया कि इंडियाज IT सर्विसेज जायंट इन्फोसिस गेट्स 4 बिलियन टैक्सेस डिमांड, मतलब $4 बिलियन का टोटल टैक्सेस का डिमांड किया है। तो सोचिए इतने बड़े जायंट कंपनी अगर टैक्सेस का डिमांड करे तो ऑब्वियसली एक तो ग्रोथ तो बनेगा ही, क्योंकि टैक्स रिफंड का जो डिमांड है वो अगर टैक्स रिफंड हो जाए तो कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिल ही जाएगा। मान के चलिए आपने जो टैक्स पेमेंट किया उसका कुछ रिटर्न्स भी मिलना था, तो मान के चलिए आपका टोटल 5 लाख का बिजनेस है, तो उनमें से मान के चलिए 50,000 आपको टैक्स रिटर्न मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपके तो फायदा होगा ना। तो इस चीज़ को पहले समझिए। तो इस हिसाब से बात करो तो इन्फोसिस एक बेस्ट कंपनी है, क्योंकि बेस्ट कंपनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्फोसिस का जो क्वार्टर रिजल्ट आया इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि पिछले सालों में जो कंपनी का सेल्स था वो थोड़ा सा वीकनेस में था, और कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट इस बार भी पॉजिटिवली नेट प्रॉफिट देखने को मिले। हाँ, क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, क्वार्टर्स का जो एस्टिमेट था उसको बीट नहीं कर पाए, मगर ईयर पीयर बेसिस में कंपनी एस्टिमेट को बहुत शानदार तरीके से बीट किया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, एक लंबा जर्नी होने का पोटेंशियल है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, इस चीज़ों को समझिए, समझ कर काम करिए। तो बेसिकली एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है, FS के पास भी है, DS के पास भी है, और पब्लिक के पास भी है। सबके पास होल्डिंग्स इसीलिए है क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त है, तो इसलिए कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं भी इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट भी है, और जब जब ट्रेड मिला तब तो मैंने ट्रेड भी लिया एज ए स्विंग बेसिस में। तो आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है परस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो परस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेसिकली एक 5,000 करोड़ का कंपनी है। तो जब डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ हो रहा था कंटिन्यूसली, तब परस डिफेंस में जर्नी देखने को नहीं मिला। तो तब जर्नी देखने को मिला जब एक अनाउंसमेंट हुआ डिफेंस सेक्टर के ऊपर, तब से लेकर कंपनी भागते चले जा रहे हैं। अभी देखिए लंबा भागने के बाद कभी ना कभी तो वो रुकेगा, तो अभी देखिए छोटा मोटा करेक्शन हो रहा है लगातार हर दिनों में। अगर इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए यहाँ पे बिग बाउंस कंपनी किए थे, अच्छा खासा एक जर्नी यहाँ पे कंपनी दिखाया था, और उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कंपनी के जो सिचुएशन बने हैं उस हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी के ऊपर एक देखिए पहले क्या बना, एक कप बने, उसके बाद 2 बार हैंडल बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से एक रिटेस्टमेंट किया, और यहाँ पे एंटी बना था, और इस लेवल में टारगेट बने। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर टारगेट कंपनी दे चुके थे, और वो भी कितने परसेंटेज का टारगेट दिया था कंपनी ने, टोटल टारगेट दिया था एटलीस्ट 56%, और वो भी सिर्फ 14 डेज में, मतलब 2 हफ्ते के दिन में, 2 हफ्ते के अंदर अंदर कंपनी 56% के आसपास टारगेट दिया। अभी देखिए एक बाइंग का रेंज बने, यहाँ पे एक कंटिन्यूसली बाइंग के कैंडल बने, 4 के 4 बाइंग कैंडल बने, इसका टोटल रेंज निकल कर रहा है 55%। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन जरूर लूंगा, क्योंकि जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न्स बनते हैं तो लोअर साइड को मैं मार्किंग करके रखता हूँ। इस लेवल में जब टच करेगा तब मेरा एक फिर से एंट्री बनेगा। अभी एंट्री लेने से पहले कंपनी का परफॉर्मेंस तो चेक करना पड़ेगा, क्या सही में परफॉर्मेंस ठीक हो रहा है। दो चीज़ों को समझना पड़ेगा, पहले कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, 167 के आसपास जा चुके हैं। कंपनी का करेंट इंडस्ट्रीज पी रेशियो 89 है, और कंपनी के खुद के पी रेशियो 167 है, मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है। उसके साथ साथ कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखा जाए कंपनी का बुक वैल्यू भी बहुत कम है करेंट प्राइस से। और अगर मैं कंपनी के पी रेशियो को पहले प्रीवियस डेटा के हिसाब से कंपेयर करूँ, एक बार बुक वैल्यू सॉरी पी रेशियो चला गया था 227 के आसपास,
और आज पी रेशो है 160 के आसपास। और इसी हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के जो करंट जो पी रेशो है उस हिसाब से कंपनी के जो 5 साल के एवरेज है वो भी कम देखने को मिले। तो ओवरऑल जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखा जाए तो सेल्स का ग्रोथ लगातार एक पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिला। इस बार भी कंपनी का हाइस्ट सेल्स बढ़े, एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का हाइस्ट प्रॉफिट भी बढ़े। मतलब हाइस्ट प्रॉफिट बोलने का मकसद है कि कंपनी एक ही रेंज के ऊपर प्रॉफिट करते चले जा रहे हैं। देखिए, 5,000 करोड़ का कंपनी, उसमें से 10-15 करोड़ का ही प्रॉफिट होगा। मतलब कंपनी तो कर रहे 10-15 करोड़, उससे ज़्यादा भी कंपनी को करना चाहिए था। एक रिस्की कंपनी है तो इसलिए जब भी इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बनता है तो उस ट्रेड को मैं छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ लेता हूँ, और मेरे पास इस कंपनी के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, जब कोई खास ग्रोथ देखने को मिले तब मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन जरूर लेने वाला हूँ। तो एज ए इन्वेस्टर जो एकदम ना के बराबर होल्डिंग रखे थे एफआईएस ने, इस बार वो करीबन 3% होल्डिंग उठा लिया। और मजेदार बात आपको बता दूँ, ये होल्डिंग कहाँ से उठाया गया? डीएस के पास से। मतलब डीएस ने माल बेचा, उसी के माल एफआईएस ने खरीदारी की है। तो ये तो चलता रहता है, कोई एक माल बेचेंगे दूसरा खरीदारी करेंगे। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम आप देख सकते हैं, थिंकिंग पिक्चर्स लिमिटेड। तो थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड बेसिकली एक नैनो कैप टाइप कंपनी है, डबल हाई रिस्क कंपनी है। तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले चार चार बार सोच लेना, क्योंकि कंपनी के ऊपर बिग प्रेस पहले ही देखने को मिल चुके हैं, फिर भी मैनेजमेंट इस कंपनी के ऊपर एक बिग अपडेट दिया है, वो है स्प्लिट का। 9 तारीख को, अगस्त के 9 तारीख को हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने जा रहे हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। देखिए, मुझे इस तरीके से कंपनी से दूर रहना है। मुझे आपको भी एक बात कहना है कि आप भी इस तरीके से कंपनी से दूर रहे तो अच्छी बात है। फिर अपडेट पर्पस में मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ, सारे कंपनीज के डिटेल्स मैं आपके साथ रख चुका हूँ। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिएगा। और आपके वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।